बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मॉन्यूमेंट मैन। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है नाजी थीव्स की, यानी कि हिटलर के चोरों की, जो बेशकीमती पेंटिंग्स चुराते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बेल्जियम से, जहां पर दिखाया जाता है कि नाजी थीव्स एक लाइब्रेरी से बहुत बेशकीमती पेंटिंग्स चुराते हैं और अब वो इन पेंटिंग्स को सुरक्षित तरीके से बेल्जियम से हिटलर के पास ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वो एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ हमें हिटलर के जनरल को दिखाया जाता है जो इस वक्त पेरिस में है। वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर बहुत ही बेशकीमती पेंटिंग्स है। ये सभी पेंटिंग्स उसकी नाजी थीव्स की टीम ने चुराई होती है। हिटलर का जनरल इन सभी पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक है। वो प्रेसिडेंट और कुछ आर्मी ऑफिसर्स के सामने बैठा होता है। उन्हें बताता है कि हमारे देश से बहुत ही बेशकीमती पेंटिंग्स को चुरा लिया गया है, जो हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करती है। वो पेंटिंग्स हमारी धरोहर है और हमें किसी भी कीमत पर उन्हें वापस हासिल करना चाहिए। फ्रैंक को यहाँ पर बताया जाता है कि हम तुम्हारे लिए एक आर्मी यूनिट बनाएंगे जिसका नाम होगा द मॉन्यूमेंट्स मैन और तुम उसके लीडर होंगे। ये वक्त होता है सन 1943 का, जब वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और फ्रैंक के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसमें 6 और लोग होते हैं और ये सब के सब वही लोग हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में कभी न कभी हिस्सा ले चुके हैं। इन 6 लोगों में एक खास बात और होती है कि ये सब के सब पेंट की दुनिया से जुड़े हुए थे, यानी कि इनमें से कोई पेंटर था, कोई बहुत अच्छे स्केचेस बनाता था, कोई स्कल्पचर बनाता था और इस टीम को इसलिए चुना गया था ताकि जब इन्हें पेंटिंग्स मिले तो ये पहचान सकें कि वो पेंटिंग्स असली है कि नहीं। अभी सब के सब फ्रांस के पेरिस शहर पहुंच जाते हैं जहां पे आर्मी जनरल से मिलते हैं। ये आर्मी जनरल से कहते हैं कि हमें यहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स चाहिए ताकि हम आर्ट वर्क को बचा सकें। तो आर्मी जनरल इनकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि इस वक्त फ्रांस के ऊपर बहुत मुश्किल समय है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे मेरी सेना की जरूरत है। अब ये पूरी की पूरी टीम ये फैसला करती है कि ये फ्रांस के उस हिस्से पर ध्यान रखेगी जहां से पेंटिंग्स को मॉन्यूमेंट्स को चुराया जा सकता है। दरअसल हिटलर ने फ्रांस के 45% एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था और अब जबकि उसकी सेना कमजोर हो चुकी है, इसीलिए वो यहां से हर एक कीमती चीज को चुरा कर जर्मनी भेजना चाहता है। वहीं फ्रांस के उस हिस्से को दिखाया जाता है जहां पर हिटलर का कब्जा है। यहां पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत पुराना म्यूजियम है जहां पर क्लेयर नाम की एक लड़की काम करती है। रात को जब वो अपने घर पर होती है तो उसके यहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आता है जिसके अंडर इसे मजबूरी में काम करना पड़ता है। वो इस लड़की को बताता है कि तुम्हारा भाई अलायंस की फौजों के साथ मिला हुआ था, इसीलिए उसे सुबह मार दिया गया। इस बात से क्लेयर को बहुत दुख होता है। इसके बाद ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। रात को क्लेयर को कुछ आवाजें आती है और जब वो म्यूजियम में जाती है तो वो देखती है कि वहां से सारी बेशकीमती पेंटिंग्स को चुरा लिया गया है। वो देखती है कि सारी पेंटिंग्स को ट्रेन में लाद दिया गया है और वही ऑफिसर जो उसके घर पर आया था वो उन पेंटिंग्स को यहाँ से जर्मनी ले जा रहा है। क्लेयर जब उसे देखती है तो वो ऑफिसर क्लेयर के ऊपर गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो उसकी गोली की रेंज से बहुत दूर होती है। दरअसल फ्रांस के इस हिस्से में जर्मनी की हार हो रही होती है और कभी भी अलायंस की फौजें अंदर पहुंच सकती है, इसीलिए नाजी ऑफिसर्स यहां से सभी बेशकीमती चीजें चुराकर ट्रेन से निकल गए होते हैं। अगले दिन यहां पर अलायंस की फौजें पहुंच जाती है, साथ ही मॉन्यूमेंट्स मैन की टीम भी, जो यहां पहुंचने के बाद फैसला करते हैं कि ये अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे और यूरोप के उस हिस्से में जाएंगे जहां पर जर्मनी का कब्जा है, जहां से जर्मनी बेशकीमती चीजों को चुरा सकती है। साथ ही इन्हीं में से 2 लोगों को जर्मनी भेजने का फैसला भी किया जाता है क्योंकि जानते हैं कि बहुत सारी चीजों को जर्मनी पहुंचाया जा चुका है और अगर इन्हें उन्हें वापस हासिल करना है तो इन्हें जर्मनी जाना ही होगा क्योंकि अब जर्मनी में अलायंस की फौजें हैं, तो ये भी जर्मनी जाकर वहां पर तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक ऑफिसर जिसका नाम जेम्स होता है वो कहता है मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं यहां किसी को जानता हूं जो म्यूजियम में काम करता है, वो हमें पेंटिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसीलिए जेम्स के अलावा सब के सब जर्मनी की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं जेम्स अपने दोस्त से मिलता है जो म्यूजियम में काम करता है। वो उसे क्लेयर के बारे में बताता है। वो कहता है कि क्लेयर तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। जेम्स क्लेयर से मिलने जाता है जो अब जेल में होती है। दरअसल नाजी थीव्स जो
पेंटिंग चुरा कर ले गए थे। ऑफिसर्स को ये लगता है कि क्लेयर ने उनका साथ दिया था क्योंकि वो भी उसी म्यूजियम में काम करती थी, लेकिन जेम्स उसे पहले से जानता है क्योंकि पहले वो भी एक आर्मी सोल्जर थी। जेम्स के कहने पर क्लेयर को छोड़ दिया जाता है। वही मॉन्यूमेंट्स मैन की टीम में से एक ऑफिसर कर्नल के पास जाता है और वो कहता है कि मैं ब्रूस जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बेशकीमती स्कल्पचर है जिसका नाम है मडोना एंड चाइल्ड। मैं उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता हूँ क्योंकि जर्मन्स उसे अपने साथ ले जाएंगे। ये वो शहर होता है जहां पर जर्मन्स का कब्जा था, क्योंकि अब जर्मन्स की यहां पर भी हार हो चुकी है, इसीलिए सब के सब अपने घर वापस लौट रहे हैं। कर्नल कहते हैं कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने तुम्हें वहां पर सोल्जर्स के साथ भेजा तो उन्हें लगेगा कि हम उन पर हमला करने के लिए आए हैं, जिससे दोनों तरफ गोलीबारियां चलेंगी और मैं नहीं चाहता कि इसमें आम लोगों की जान जाए। कल सुबह तक जर्मन्स वहां से चले जाएंगे, तब तुम वहां पर जा सकते हो। लेकिन ये ऑफिसर किसी भी कीमत पर मडोना एंड चाइल्ड के स्कल्पचर को बचाना चाहता है, इसीलिए रात को ये अकेला ही उस शहर में चला जाता है जहां पर वो चर्च है जिसके अंदर मडोना एंड चाइल्ड का स्कल्पचर है। चर्च के अंदर पहुंचने के बाद वो फादर से कहता है कि यहाँ पर नाजी थीप्स आने वाले हैं जो मडोना के स्कल्पचर को यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे। हमें यहाँ से इसे कहीं और शिफ्ट करना होगा, पर इससे पहले कि ये ऐसा कर पाते यहाँ पर नाजी थीप्स आ जाते हैं। वो मडोना की मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं, साथ ही वो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स मैन में से एक ऑफिसर को गोली मार देते हैं जो यहाँ पर मॉन्यूमेंट को यानी कि मडोना एंड चाइल्ड की मूर्ति को बचाने के लिए आया था। वहीं हिटलर अलायंसेस के ऑफिसर्स को एक मैसेज पहुंचाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा जितना भी आर्टवर्क है जो मेरे पास है वो सब को तबाह कर दूंगा, जला दूंगा। ये एक खुली धमकी होती है और ये आर्टवर्क इतना कीमती होता है कि ये इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसीलिए अब मॉन्यूमेंट्स मैन की टीम को बहुत सावधानी से चलना होगा क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस आर्टवर्क को बचाएं। वहीं मॉन्यूमेंट्स मैन की टीम में से तीन ऑफिसर जो जर्मनी में होते हैं उनमें से एक ऑफिसर के दांत में दर्द होता है और जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट बताता है कि मेरा भी एक नेफ्यू है जो इसी तरह के आर्टवर्क के लिए 2 साल तक पेरिस में था, पर अब वो यहाँ जर्मनी में एक फार्मर है। ये तीनों के तीनों उसके घर जाते हैं ताकि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और जब ये उसके घर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि ये वही जर्मन ऑफिसर है जो पेरिस के म्यूजियम से सारी पेंटिंग्स ट्रेन में लाद कर जर्मनी ले आया था, साथ ही इसी ने क्लेयर के ऊपर गोलियां भी चलाई थी। यहाँ पर ये तीनों ऑफिसर्स देखते हैं कि इसके घर पर बहुत ही शानदार पेंटिंग्स होती हैं और ये पेंटिंग्स उन्हीं पेंटिंग्स में से कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो पेरिस से चुराई गई थी। पर ये नाजी ऑफिसर जो यहाँ पर फार्मर बनकर अपना भेष बदल कर रह रहा है वो कहता है कि मुझे ये गिफ्ट मिली थी। ये हिटलर के बारे में बात करने लगते हैं, तभी इन तीनों ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर कहता है कि हिटलर की जय हो। जैसे ही इसके दोनों बच्चे बात सुनते हैं वो सावधान खड़े हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हिटलर की जय हो। ये तीनों समझ जाते हैं कि ये नाजी ऑफिसर है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं जर्मनी में ही इनके दो और साथी जो पेंटिंग्स ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं उनमें से एक को गोली लग जाती है। यहाँ जर्मनी में उनकी कोई मदद नहीं करता, इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने दो साथियों को खो चुके हैं और अब ये किसी भी तरह से उन सभी पेंटिंग्स को जर्मनी में ढूंढना चाहते हैं, पर ये पहले उन सभी जगहों को चेक कर चुके होते हैं जहां पर इन्हें पेंटिंग्स मिल सकती थी, पर इनके हाथ कामयाबी नहीं लगी। यहाँ इनके पास एक नक्शा भी होता है जो इन्हें उस जर्मन ऑफिसर के घर से मिला था जिसने पेरिस से पेंटिंग चुराई थी और जर्मनी में एक फार्मर बनकर रह रहा था। उस नक्शे पर कुछ जगहों को मार्क किया होता है। इनके साथ एक लड़का होता है जो जर्मनी और इंग्लिश दोनों भाषाएं अच्छी तरह से जानता है और वो इन्हें बताता है कि जिन जगहों को मार्क किया गया है ये किसी शहर के नाम नहीं है, बल्कि इनमें से एक सॉल्ट माइन है, एक पोटेशियम माइन है और एक माइन कॉपर की है। इन्हें शक होता है कि हो ना हो सारी पेंटिंग्स कॉपर माइन में ही है, इसीलिए सब के सब कॉपर माइन की तरफ चल पड़ते हैं जो पूरी तरह से खाली होती है। ये वहां पर एक दीवार को ब्लास्ट करते हैं और जब ये दीवार के दूसरी तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर हजारों की तादाद में वो बेशकीमती पेंटिंग्स हैं जिन्हें यूरोप से चुराया गया था। यहाँ पर और भी बहुत सारे सोल्जर्स आकर इन सभी पेंटिंग्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि किस तरह से मॉन्यूमेंट्स मैन ने उन बेशकीमती पेंटिंग्स को ढूंढ लिया है जिन्हें हिटलर के थीप्स ने यूरोप से चुराया था। इसके बाद ये सॉल्ट माइन में जाते हैं और जब ये वहां का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जाने के बाद ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पेंटिंग्स नहीं बल्कि खजाना होता है जो कई 100 टन्स का है, यानी कि इन्होंने हिटलर के लगभग पूरे खजाने को ढूंढ लिया। पर ये अभी भी बाकी
की पेंटिंग्स को ढूंढना चाहते हैं। ये एक दूसरी माइन में जाते हैं जहां पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ राख मिलती है। दरअसल हिटलर के नाजी थीप्स ने इन सभी पेंटिंग्स को जला दिया था क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम होता है कि उन्होंने यूरोप से पेंटिंग चुराई है और वो अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। पर मॉन्यूमेंट्स मैन जानते हैं कि अभी भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो इन्हें वापस हासिल करनी है, जो इन्हें ढूंढनी है। साथ ही मैडोना एंड चाइल्ड का वो स्टैचू जो चर्च से चुराया था वो भी इन्हें ढूंढना है। अब जब ये ढूंढ ही रहे होते हैं तो इन्हीं में से एक साथी का पैर माइन के ऊपर पड़ जाता है। अगर उसने पैर हटाया तो ब्लास्ट हो जाएगा। पर मॉन्यूमेंट्स मैन बड़ी सावधानी से उस माइन के ऊपर एक स्टोन रख देते हैं जिससे इनके साथी की जान बच जाती है। और मॉन्यूमेंट्स मैन बाकी आर्ट वर्क को ढूंढने के लिए एक चर्च में जाते हैं जहां पर इन्हें बहुत सारी पेंटिंग्स मिल जाती है, लेकिन अभी भी इन्हें वो स्टैचू नहीं मिलता जो सबसे बेशकीमती है, जिसका नाम है मैडोना एंड चाइल्ड। ये एक एक करके अलग अलग चर्च में जाते हैं जहां पर इन्हें बहुत सारा आर्ट वर्क और बहुत सारा खजाना भी मिलता है, लेकिन अभी भी इन्हें वो मूर्ति नहीं मिली होती जो इनके लिए सबसे बेशकीमती है। पर जब ये आखिरी बची हुई माइन के अंदर जाते हैं तो इन्हें कपड़े में लिपटी हुई मैडोना एंड चाइल्ड की बेशकीमती मूर्ति मिल जाती है, जिसे पाकर ये बहुत खुश होते हैं। ये सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही ये यहाँ से निकलते हैं तो रशियन फौज भी यहाँ पर आ जाती है। दरअसल वो भी इसी आर्ट वर्क की तलाश में आई होती है, पर जब वो अमेरिका का झंडा वहाँ पर देखती है तो वो समझ जाते हैं कि अमेरिकन उनसे पहले ये काम कर चुके हैं। ये इतिहास का इतना बड़ा काम था जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाई। इसके बाद हर एक चीज को उसकी असली और सही जगह पर पहुंचा दिया गया। इस रिकवरी के कई सालों बाद यानी कि सन 1977 में फ्रैंक को दिखाया जाता है जो अपनी स्पीच में बताता है कि इन्होंने 5000 चर्च की बेल्स को रिकवर किया था, 300 ट्रॉली कार्स को, 3 मिलियन बुक्स को, हजारों धार्मिक किताबों को, कुल मिला के इन्होंने 5 मिलियन यानी कि 50 लाख चीजों को रिकवर किया था जिन्हें आज भी पूरी दुनिया देखना चाहती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द मॉन्यूमेंट्स मैन की। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था 70 to 91 million dollars और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 155 million dollars की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।